क्यों मैं शक की आग में अंधा हो गया था, बगैर तहकीक के क्यों इल्जाम लगाया मैंने अपनी बीवी पर। ऑफिस से भी इतना जल्दी निकल गए? मैं सारा दिन से आपको कॉल्स मिला रही हूं, लेकिन हमारी बात ही नहीं हो सक रही है। मैं टूट गया हूं, बस बहुत गलत हो गया। अरे अपनी बेकसूर बीवी पर शक करके उसकी बेइज्जती की, उसे घर से निकाल दिया, कुछ नहीं किया उसके साथ। क्या मतलब, ये सब आपको कैसे पता लगा? बेबी की साजिश थी, उसने तो मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया। मेरा घर ही नहीं बसने लिया उसने, साथ अपना घर भी उजाड़ बैठे। मेरे खुदाया, अब मैं क्या कहूं? बेबी बाजी ने तो आपको और मेरा रिश्ता भी खराब कर दिया था, और अब ये सब। कितना काम आ रहा है, मैं बेकसूर हूं, मैं वफादार हूं, कोई हम दोनों को अलग करने की साजिश कर रहा है, लेकिन मैंने उसकी सुनी। धुतकारता रहा उसे, उस पर शक करता। मेरी बीवी ने पहले ही अपनी जिंदगी में पैगाम दे गए थे, और मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उनको बुलाने। अशद, आपको गुमराह किया गया था, इन सब में आपका कोई कसूर नहीं है। कसूर है बिल्कुल, क्यों मैं शक की आग में अंधा हो गया था, बगैर तहकीक के क्यों इल्जाम लगाया मैंने अपनी बीवी पर। नफरत हो रही है मुझे आपसे, मारिए के बगैर कुछ नहीं। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा ऐसे, मैं बता रहा हूँ। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपने मारिया से बात की, अब उसके पास गए? आ गया था। वो तो इतना दुखी है कि उसका गम तो मुझसे बहुत बड़ा है। मैंने माफी मांगी, हाथ जोड़े, लेकिन उसने साफ कह दिया वो नहीं आएगी। वो मेरा होने वाला बच्चा, इन लोगों के अलावा मेरा और है कौन? मेरे पास कोई जीने की वजह नहीं है हम दोनों के बगैर। अशद प्लीज, हिम्मत करें, खुदा का वास्ता है, कुछ ऐसा वैसा मत कीजिएगा, अल्लाह पे भरोसा रखें। अब थोड़े दिनों बाद मारिया के पास जाइएगा, क्या पता उसका दिल तब तक पिघल जाए और वो आपको माफ कर दे। क्या वो माफ कर देगी मुझे? क्यों नहीं, अगर आप सच्चे दिल से माफी मांगेंगे ना, तो आपको जरूर माफ कर देगी। आप बस हौसला रखें। जैसे को